तो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल क्रिकेट 11 प्रिडिक्शन में। गाइज, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश, थर्ड और आखिरी ओडीआई का मुकाबला खेला जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, 2-1 से यहाँ पे ऑलरेडी जिम्बाब्वे की टीम ने सीरीज जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हो, जिम्बाब्वे की टीम ने सीरीज को वोन कर लिया है। तो यहाँ पे महज औपचारिकता के अनुसार टीम उतरेंगे दोनों, तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस होना पॉसिबल है इस मुकाबले में। तो वही हम लोग अच्छे से विस्तार से आप लोगों को पूरी बताने की कोशिश करूंगा कि दोनों टीमों में क्या कुछ पॉसिबल चेंजेस हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखो ये टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गाइस, ग्रांड लीग की टीम दी थी मैंने। अगर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन हुए होगा तो आप लोगों का भी बहुत अच्छा विनिंग हुआ होगा, 90 रुपये लगा के 50 रुपया, ठीक है 500 रुपया सॉरी। आइए मालूम है 30,000 लोगों में गाइज इतना रैंक आई थी। अगर आप 10,000 लोगों का अगर ग्रांड लीग खेलोगे तो कन्फर्म पहली रैंक आई होगी गाइज। यहाँ पे देख लो, जो टीम आप लोगों को दिया था सेम टीम से मैंने प्ले किया था, टीम भी आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अगर देखो टेलीग्राम पे होगे तो आप लोगों ने वहाँ पे अच्छा खासा वोन किया होगा, तो होप आप लोग टेलीग्राम पे होगे। बाकी अगर नहीं है हो तो आना चाहते हो तो आ सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में चल जाना, लिंक मिलेगा, लिंक के थ्रू आप लोग यहाँ पे आ जाना। बाय द वे लिंक वर्क नहीं करता है तो Cricket2580 लिख कर सर्च कर लीजिएगा तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। बाकी जैसे आइएगा दोस्तों, पिंड मैसेज देख लीजिएगा, 6 जून का अगर मैसेज होगा तो इसका मतलब आप लोग अच्छे मतलब रियल जगह पे आए हो, नहीं तो बहुत लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल भी क्रिएट किया हुआ है, तो होप आप लोग समझ रहे होंगे। बाकी सब्सक्राइबर कम दिख रहे हैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ, ठंडी में जब बिग बैश लीग चल रहा था तो जो कि मेरा मेन चैनल था 1 लाख वाला, टेलीग्राम यूट्यूब दोनों स्ट्राइक की वजह से डिलीट कर दिया गया था। बट कोई नहीं, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करना, हम लोग नेक्स्ट IPL तक होप यहाँ पे फिर से बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फाइनली हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नोट्स मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों, कितने सारे अच्छे अच्छे मुकाबले अभी होने वाले हैं। नीदरलैंड पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भी मुकाबला है, पाकिस्तान इंग्लैंड का है, आयरलैंड अफगानिस्तान ऑलरेडी वीडियो मैंने पब्लिश कर दी है, वेस्ट इंडीज़ न्यूजीलैंड इसकी वीडियो आने वाली है। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज जो यहाँ पर मुकाबला खेला जाएगा वो है जिम्बाब्वे और बांग्लादेश का, तो होप आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कॉल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आप लोगों को मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तीसरा ODI मुकाबला खेला जाएगा, थर्ड ODI मुकाबला 10 अगस्त को 12:45 दोपहर में ये मुकाबला होगा अपने भारत टाइम अनुसार। वेन्यू बता दूँ, सेम वेन्यू है गाइस जहाँ पे स्टार्टिंग के 2 मुकाबले खेले गए, हरारे स्पोर्ट्स क्लब वही वेन्यू रहने वाला, वेन्यू में चेंजेस नहीं हुआ। पिच रिपोर्ट मैं गाइस आप लोगों को बता दूँ तो देखिएगा, तो बैटिंग करने के लिए एवरेज विकेट है यहाँ पर, लेकिन बार बार देखा जा रहा है गाइस, जब जब यहाँ पर मतलब टीम खेल रही है 280-90 का आंकड़ा छू दे रही है। अब 280-90 का मतलब ये नहीं हुआ कि काफ़ी ज़्यादा वो हाई स्कोरिंग मुकाबले, क्योंकि 300 गेंदे में अगर टीम 280-90 बना रही है तो वो ठीक ठाक बन रहा है। अगर हाँ 340-350 बनता है तो उसको कह सकते हैं हाई मतलब हाईएस्ट स्कोर बन रहा है, तो वहाँ पे बैटिंग करने के लिए ज़्यादा फेवर है, लेकिन यहाँ पे एवरेज मान के चल सकते हैं क्योंकि विकेट भी अच्छी खासी गिर रही है। हेड टू हेड मुकाबले के बारे में गाइस बात करते हैं यहाँ से, तो टोटल 80 मुकाबले खेले जा चुके हैं। हुआ यह है 30 मुकाबले जिम्बाब्वे की टीम ने वोन किया, वहीं 50 मुकाबले बांग्लादेश की टीम ने वोन किया। लेकिन बता दूँ T20 में जीत करा रही है सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश, यहाँ पे 2-1 से ऑलरेडी आगे, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होगा जिम्बाब्वे की टीम का और सोचेगी क्लीन स्वीप यहाँ पे करना चाहेगी। लेकिन यहाँ पे पूरी कोशिश करेगी बांग्लादेश की टीम भी कि कम से कम क्लीन स्वीप होने से बच जाए। अभी मैं आप लोगों को बता दूं, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो जब T20 का मुकाबला यहाँ पर जब हारी थी बांग्लादेश की टीम, मतलब सीरीज हारी थी, तो उनके तरफ से बहुत सारे लोग मतलब कमेंट कर रहे थे बांग्लादेश के मतलब कुछ स्टाफ मेंबर कि हमारी टीम इतनी भी कमज़ोर नहीं है कि जिम्बाब्वे जैसे टीम से हार जाए, वो ऐसे ही बौखलाए थे, प्लस आते ही आते यहाँ पे वनडे में भी हार का स्वाद चख लेना पड़ा है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ से, देखोगे कुछ रिसेंट में मुकाबले खेले गए हैं यहाँ पे, क्या कुछ स्कोर बनता है। पिछले 2 मुकाबले को मैं नहीं ऐड किया हूँ यहाँ पे, आप चाहो तो उसका तो वैसे भी जाकर स्कोर कार्ड देख ही सकते हो। उससे पहले के कुछ मुकाबले हैं जो कि 9 जून 2022 को खेला गया था जिम्बाब्वे अफगानिस्तान के बीच में, जिम्बाब्वे की टीम ने 135 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, वहीं अफगानिस्तान की टीम 137 बनाकर ये मुकाबले को 4 विकेट से चेज कर गए थे, ठीक है। यहाँ पे फिर एक मुकाबला 6 जून 2022 को खेला गया था, जिम्बाब्वे की टीम 228 बना के ऑल आउट हो गई थी, अफगानिस्तान की टीम 229 रन बना के यहाँ पर चेज कर गई थी। गाइस अभी भी याद आता है इब्राहिम जादरान का आई थिंक इस मुकाबले में शतक आया था, बाकी 8 विकेट से यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम ये मुकाबला चेज कर गई थी, ठीक है। 4 जून 2022 को एक और मुकाबला खेला गया था सेम अफगानिस्तान जिम्बाब्वे के बीच में, अफगानिस्तान की टीम 276 रन 5 विकेट के नुकसान पे बनाई थी, वहीं जिम्बाब्वे की टीम 216 रन बना के ऑल आउट हो गई थी, 60 रनों से ये मुकाबला अफगानिस्तान की टीम वोन कर गई थी। पिछले 2 मुकाबले छोड़ दिया जाए तो उससे पहले के 3 मुकाबले यहाँ पे बैक टू बैक हार के आ रही है जिम्बाब्वे की टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान, और यहाँ पे स्कोरिंग पैटर्न जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी, क्यों एवरेज स्कोर मान के चल सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो देखिए 150 भी आंकड़ा नहीं पहुँच पाया, यहाँ पर देखा जाए तो 200
30 मान के चल सकते हो एवरेज ही है। 300 गेंदों में अगर टीम 230 बना के ऑल आउट हो जाती है तो एवरेज ही इसको मैं मानता हूँ। बाकी यहाँ पे देखोगे तो 270 बना है तो ये भी मान के चल सकते हैं एवरेज है। अगर 300 प्लस बनता है गाइस तो उसको कहा जा सकता है कि मतलब अच्छा स्कोर बन रहा है। लेकिन 250 60 70 ये सब एवरेज मान के आप लोग चल सकते हो। कुछ ओडीआई के स्टैटिक्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 142 मुकाबले खेले गए, हुआ ये है गाइस 67 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, वहीं 74 मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने वॉन किया है। बहुत ज़्यादा तो अंतर है नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो चेजिंग करने वाली टीम काफ़ी ज़्यादा आसानी से मुकाबले जीत ले रही है। जिम्बाब्वे की टीम ने दोनों मुकाबले में चेज किया है और दोनों मुकाबला यहाँ पे वॉन कर लिया है। अगर फिर से हम लोग इसी लॉजिक से खेलते हैं तो जो टीम यार चेज करेगी ना उसके जीतने के काफ़ी अच्छे खासे चांसेज हैं। बात करते हैं तो एक मुकाबला यहाँ पर टाई हुआ है, एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग 233 रन है, हाईएस्ट स्कोर 350 रन 6 विकेट के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाई थी, और लोवेस्ट स्कोर देखो गाइस तो 35 रन महज बना के यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम ऑल आउट हो गई थी। यहाँ पे देखा जाए गाइस तो कुछ भी जिम्बाब्वे के फेवर में नहीं है अगर पिछला मुकाबला छोड़ दिया जाए तो। लोवेस्ट स्कोर भी जिम्बाब्वे का है और पिछला दो मुकाबला अगर मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे बैक टू बैक तीन मुकाबले हार के आ रही है, तो कुछ भी नहीं है जिम्बाब्वे के फेवर में अगर दो मुकाबले पिछले छोड़ दिया जाए तो। बाकी बात करते हैं स्कोरिंग पैटर्न में क्या कुछ स्कोर बनता है तो देखा जाए तो 200 से कम 34 बार स्कोर बना है, 200 से 250 के बीच में 50 बार स्कोर बना है, 250 से लेकर 300 के बीच में 45 बार स्कोर बना है, वहीं 300 से ज़्यादा यहाँ पे 13 बार स्कोर बना है। तो जो सबसे ज़्यादा स्कोर बना है वो बना है 200 से लेकर 250 के बीच में। तो आप लोग इसमें स्कोरिंग पैटर्न इतना ही मान सकते हो गाइस, जो टीम पहले बैटिंग करती है 240 से लेकर 280 के समथिंग यहाँ पे बनना चाहिए, ठीक है दोस्तों। बाकी बात करते हैं बांग्लादेश की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है विथ रिसेंट स्कोर कार्ड। तमीम इकबाल के साथ पिछले मुकाबले में अनिमुल हक ओपनिंग करने आए थे बिकॉज लिटन दास को यहाँ पे हैमस्ट्रिंग हो गई थी और पहले मुकाबले में ही वो रिटायर्ड हट हुए थे, इस वजह से वो सीरीज से रूल आउट हो चुके हैं। तो तमीम इकबाल की बात किया जाए तो 50 रनों का स्कोर इन्होंने किया है, बैक टू बैक दो हाफ सेंचुरी जमा करा रहे हैं। अनिमुल हक गई जो कि 20 रनों का स्कोर इन्होंने किया पिछले मुकाबले में, इससे पहले 73 रनों की पारी खेली थी। नजमुल हुसैन सेंटो को मौका मिला था लिटन दास के प्लेस पे, 38 रनों का स्कोर इन्होंने किया। उसके बाद गाइस मुस्तफिकुर रहीम आए थे 23 रन ये बना पाए। यहाँ से देखा जाए तो गाइस देखोगे तो टॉप फोर में तो लगभग तीन प्लेयर को तो अच्छी खासी स्टार्टिंग मिल गई थी लेकिन वो बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, और इसी का बहुत बड़ा मतलब बेनिफिट मिल गया था मोहम्मदुल्ला को जिन्होंने 80 रनों का स्कोर कर दिया था, क्योंकि गेंदें ज़्यादा खेलने को मिली थी, इस कंडीशन में काफ़ी बड़े खिलाड़ी हैं और 80 रनों का इन्होंने स्कोर किया था, बाकी बॉलिंग नहीं किए थे पिछले मुकाबले में। आफिफ हुसैन की बात करते हैं तो बैटिंग इनकी भी आई थी, 41 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। मेहंदी हसन मिराज जो कि 15 रन प्लस 2 विकेट निकाले थे बॉलिंग से, वही तैजुल इस्लाम इस मुकाबले में खेले थे, मुसद्दिक हुसैन बाहर गए थे 1 विकेट इन्होंने निकाला था, हसन महमूद खेले थे गाइस 2 विकेट इन्होंने निकाला था, मुस्तफिजुर रहमान बाहर गए थे। तस्कीन अहमद की बात करते हैं दोनों मुकाबले में विकेट लेस गए हैं तो हो सकता है इस मुकाबले में तस्कीन अहमद के प्लेस पे किसी और खिलाड़ी को मतलब मौका दिया जा सकता है। सरफुल इस्लाम की बात करते हैं 1 भी विकेट इनको नहीं मिल पाया था गाइस पिछले मुकाबले में। बात करते हैं इनके तरफ से कौन सा बॉलर ओपनिंग और डेथ में बॉलिंग करने के लिए जाना जाता है तो देखा जाए तो पिछले मुकाबले में हसन महमूद के साथ मेहंदी हसन मिराज आते हैं, लेकिन अगर मुस्तफिजुर रहमान फिट हैं और वो प्लेइंग 11 में खेलेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि वही यहाँ पे ओपनिंग में बॉलिंग करेंगे, और डेथ में भी हसन महमूद के साथ सरफुल इस्लाम आए थे। बाकी अगर मुस्तफिजुर रहमान रहेंगे तो ओपनिंग डेथ दोनों उनका कन्फर्म रहता है, बाकी उनके साथ कोई एक बॉलर आ सकता है। यहाँ से देख सकते हैं जो प्लेयर बेंच पे गए थे उनका भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है तो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी यहाँ से इनके तरफ से अगर बॉलिंग इन्फॉर्मेशन की बात करा जाए तो देख लेना यहाँ पे कौन सा बॉलर कितने ओवर की बॉलिंग कर रहा है। अगर अच्छी खासी बॉलिंग की बात किया जाए तो मेहंदी हसन मिराज ने 10-10 ओवर की बॉलिंग दोनों मुकाबले में की है, तस्कीन अहमद ने भी अच्छी खासी बॉलिंग की है, लगभग 19 ओवर की बॉलिंग की है लेकिन एक भी विकेट नहीं निकाल पाए। बाकी हैश जो बना है ना गाइस उसका मतलब होता है कि प्लेयर नहीं खेले थे, ये हैश का मतलब ये होता है, और DNB का मतलब प्लेयर ने बैटिंग मतलब बॉलिंग नहीं की थी, डू नॉट बॉल, ठीक है। तो आप अपने ख्याल से यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख लेना। बात करते हैं जिम्बाब्वे की क्या कुछ पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है विथ रिसेंट स्कोर कार्ड, तो यहाँ पे देखा जाए तो पिछले मुकाबले में टडी वंसे मरुमनी ओपनिंग करने आए थे, 25 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। उसके बाद टकुंडवंश किटानो गाइस ओपनिंग करने आए थे इनके साथ, 0 रनों का स्कोर इन्होंने किया था, नाम देख सकते हो भाई इन लोगों का कितना बड़ा बड़ा है। उसके बाद गाइस इनोसेंट काया 7 रन महज बना पाए थे, पहले मुकाबले के हीरो खिलाड़ी थे, शतक लगाए थे पिछले मुकाबले, महज 7 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों जो टेलीग्राम पे होंगे मेरे उनको मैंने यहाँ पे कहा था कि ये लोग हर मुकाबले में स्कोर नहीं करते हैं, बाई चांस ही इनके बैटिंग से स्कोर दिखेगा, ठीक है। अब सिकंदर रजा का था तो उनके बारे में अभी आएंगे तो बताया जाएगा, लेकिन इनोसेंट काया को मैंने ड्रॉप करके चला था, इनके जगह पर मैंने लिया था अपनी टीम में विंटर नायुंची को जिन्होंने 1 विकेट निकाला था और कम से कम 35 पॉइंट इन्होंने प्रोवाइड करा दिया था।
वसले मधवीरे 2 रन + 2 विकेट बॉलिंग से इनको मिला था, सिकंदर रजा गाइस, मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है बांग्लादेश की टीम की तरफ से, तब आ जाते हैं सिकंदर रजा और एकदम मतलब मैच को उड़ा कर लेके चल जाते हैं। पहले मुकाबले में 135 रन 1 विकेट, दूसरे मुकाबले में 117 रन 3 विकेट, बाप रे बाप, आप लोग देख सकते हो इनका मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस। ओपनर बिल्कुल नहीं चलते हैं बांग्लादेश के, सॉरी यहाँ पे जिम्बाब्वे के, बॉलिंग बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग मिलती है बांग्लादेश को, लेकिन वही मिडिल मडल में यहाँ पे गेम खत्म हो जाता है। रिकिकिस चकावा जो कि पिछले मुकाबले में मिडिल ऑर्डर में खेलने आए थे और 102 रनों की गाइस पारी इन्होंने खेला था, मतलब आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो मैं हमेशा कहता हूँ जब जब मतलब बांग्लादेश का मुकाबला होता है अगर इनोसेंट काया से कंपेयर किया जाए तो रिकिकिस चकाबा मुझे ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी लगते हैं, ठीक है। और रिसेंट फॉर्म भी इनका काफ़ी बेहतर था, अभी अफगानिस्तान से मुकाबला होने वाला था तो उससे पहले, वैसे भी अफगानिस्तान की टीम के पास भैया वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं तो वो तो वैसे भी बैटिंग का लाइन लेंथ गड़बड़ा देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो 102 रनों की यहाँ पे पारी इन्होंने खेली थी, टीम के कैप्टन है और जिम्मेदारी लेकर खेला था और बहुत ही अच्छा इनका जीत में योगदान था। उसके बाद यहाँ से टोनी मयुंगा आए थे जो इन्होंने 30 रनों का स्कोर किया था 180-90 के स्ट्राइक रेट से ये खेल रहे थे। ल्यूक जोंगवे एक भी विकेट ये नहीं निकाल पाए थे और खैर बैटिंग करने का मौका भी नहीं मिला था। ब्राड इवांस खेल रहे थे, इनको भी एक भी विकेट नहीं मिला था। विंटर नायुंची गाइस एक विकेट ये निकाल लिए थे, डेथ में फेंकने का एडवांटेज था इनके पास, आई थिंक 50वें या 49वें ओवर में बॉलिंग कर रहे थे तो उनको एक विकेट मिला था। टंका चिवांगा के बारे में बता दूं गाइस एक विकेट ये निकाल पाए थे, तो आप देख सकते हो यहाँ से बाकी इनके तरफ से ओपनिंग और डेथ बॉलर बताया जाए तो ब्राड इवांस नयुंची आप लोग मान सकते हो, पिछले मुकाबले में यही आए थे और डेथ में ब्राड इवांस आए थे, इनके साथ टंका चिवांगा को मान सकते हो। बॉलिंग इन्फॉर्मेशन आप इनके तरफ से देख सकते हो, यहाँ से नगारवा खेले नहीं थे, नयुंची खेले थे, अच्छी खासी ओवर डालते हैं नयुंची, ल्यूक जोंगवे भी अच्छी खासी ओवर डाल देते हैं, बट बाकी बैटिंग से भी जोंगवे के पास एडवांटेज रहता है। बाकी इनके टीम के जो प्रमुख खिलाड़ी हैं वो हैं सिकंदर रजा, आप इनका यहाँ से बॉलिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। बाकी यहाँ से प्लेयर्स को ओवरऑल रिकॉर्ड है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बांग्लादेश के प्लेयर्स को ओवरऑल रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे अगर कोई भी प्लेयर अगर खेल लेता है तो आप इनका रिकॉर्ड देख सकते हो सकता है गाइस इस मुकाबले में नूरुल हसन को खेलने का मौका मिल जाए। रिकॉर्ड देखिए काफ़ी बेहतर रिकॉर्ड रखते हैं, 82 का एवरेज, मिडिल ऑर्डर में ही खेलेंगे। बाकी हो सकता है तस्कीन अहमद के प्लेस में नासूम अहमद भी खेलते हुए दिख सकते हैं, तो आप लोग इनका रिकॉर्ड भी यहाँ पे से देख सकते हो। बाकी और कोई भी खिलाड़ी इसमें से खेलता है तो रिकॉर्ड देख सकते हो। अगर मैं बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगर मेरी ज़बानी सुनना चाहते हो तो मेरी पहली वीडियो जाकर देख लेना जो कि बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की है। बाकी जिम्बाब्वे के प्लेयर्स का भी ओवरऑल सारा रिकॉर्ड है यहाँ से देख सकते हो। ब्राड इवांस जो कि मतलब डेब्यू कर रहे थे, इनका रिकॉर्ड आप लोग देख सकते हो। बाकी अगर इनके तरफ से कोई नया खिलाड़ी खेलता है तो आप लोग इनका रिकॉर्ड देख सकते हो। तो होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अब चलते हैं एप्लीकेशन में देखते हैं इस मुकाबले के लिए हमारी क्या टीम बनकर रेडी हो रही है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे विकेट कीपर ऑप्शन का, उससे पहले बता दूं अगर वीडियो देख कर आए होगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा किसी प्लेयर के बारे में मैं बताऊंगा। तो दो ऑप्शन है और बात करते हैं बैटिंग क्रम की, तो दोनों मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले हैं। मुशफिकुर रहीम 4 डाउन खेलेंगे, वहीं चकावा 5 डाउन खेलेंगे, ओपनिंग नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब देखा जाए टेक्निक वाइज ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है, तो यहाँ पे से मुशफिकुर रहीम का नाम निकल के आता है। लेकिन आप कर ये सकते हो जिसकी टीम पहले बैटिंग करे आप उसके प्लेयर को यहाँ पे ले सकते हो विकेट कीपर सेक्शन में, क्योंकि चेज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। ऐसे में क्या मालूम चेजिंग करने वाली टीम का अगर फिर से विकेट कीपर के अगर बैटिंग नहीं आता है तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में रह सकते हो। फिलहाल के लिए रहीम को मैं लेकर चल रहा हूँ, अगर आप चाहो तो चकावा को भी ले सकते हो, लेकिन रहीम देखा जाए तो टेक्निक वाइज ज़्यादा बेहतर खिलाड़ी हैं इन कंपेयर ऑफ चकावा। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से, तो तमीम इकबाल, इनोसेंट काया, अनिमुल हक को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया है। ऑप्शन बता दूं नजमुल हुसैन सेंटो का है, यहाँ से आफिफ हुसैन का। आफिफ हुसैन का क्या है गाइस, जब टॉप ऑर्डर में से कोई दो खिलाड़ी फ्लॉप होंगे तभी इनको बैटिंग करने का अच्छा खासा मौका मिलेगा। ऐसे में आप ये करना कि किसी दो को हटाने का जिगरा रखते हो तो ड्रॉप कर देना, फिर आफिफ हुसैन को ले लेना। लेकिन ये काम आप लोग ग्रैंड लीग में करोगे तो ज़्यादा बेहतर होने वाला है स्मॉल लीग के नज़रिए से। फिलहाल 3 ही ऑप्शन मुझे बेस्ट देख रहे हैं तो मैंने अपनी टीम में ट्राई किया हुआ है। अगर मिल्टन सुम्बा खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बिकॉज कुछ ओवर की बॉलिंग भी डाल सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन की, सिकंदर रजा, इनको रखना ही रखना है भैया, किसी भी इनिंग में ये बैटिंग बॉलिंग करे रखना ही रखना है। उसके बाद मेहंदी हसन मिराज, बाकी वसले मधवीरो को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया। मोहम्मदुल्ला को ड्रॉप करके चल रहा हूँ, क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ भाई, क्योंकि बैटिंग करेंगे 6 नंबर पे, प्लस बॉलिंग नहीं किए थे पिछले मुकाबले में, उससे पहले भी ज़्यादा कुछ बॉलिंग करते नहीं है, 3 से 4 ओवर मान सकते हो। अब इनको कब आप रख सकते हो, जब यहाँ पे बांग्लादेश की टीम फर्स्ट बैटिंग करे और आप लोगों को लगता है मतलब टॉप ऑर्डर से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा, ऐसे में एक कोई टॉप ऑर्डर का दो खिलाड़ी आप ड्रॉप करना, मोहम्मदुल्ला को अपनी टीम में प्रेफर कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ गाइज, मोहम्मदुल्ला को हटा ही कर चल रहा हूँ। अगर बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैं सोच सकता हूँ मोहम्मदुल्ला के बारे में। प्लेयर सेलेक्शन परसेंटेज से मत गाइज कभी भी टीम सेलेक्ट किया करो आप लोग,
बाकी पिछले मुकाबले में स्कोरिंग भी अच्छा खासा किए थे, लेकिन इनको बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिला था कि टॉप ऑर्डर से दो तीन खिलाड़ी फ्लॉप चले गए थे, ठीक है। तो अगर ऐसा फिर से होता है तो ये अच्छा खासा स्कोर करके दे सकते हैं। बात करते हैं बॉलिंग ऑप्शन से, तो हसन महमूद इनको मैं अपने टीम में रखा यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ। बाकी ल्यूक जोंगवे को मैंने ट्राई किया, जो कि बॉलिंग के साथ साथ कुछ बैटिंग भी दे सकते हैं, अच्छी खाटी हिटिंग लगा सकते हैं। 5 to 6 down ये बैटिंग करते हैं और हिटिंग मशीन है ये, समझ जाओ। बाकी मुस्तफिजुर रहमान अगर फिट होंगे तो कन्फर्म प्लेइंग 11 में आएंगे, और प्लेइंग 11 में आएंगे तो मतलब अपनी टीम में कन्फर्म रहने वाले हैं। बाकी सरफुल इस्लाम को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया, भले से पिछले मुकाबले में अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं थी गई, लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड भी अच्छे रखते हैं और विकेट टेकर नेचर के बॉलर भी, तो मैंने अपनी टीम में इनको ट्राई किया। हो सकता है इस मुकाबले में तस्कीन अहमद बाहर जाएं, इनके जगह पे नासूम अहमद खेलते हुए दिख सकते हैं, और अगर नासूम अहमद खेलेंगे तो गाइस मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, और पावर प्ले में जब बॉलिंग करेंगे ना सामने के 2 से 3 wicket ये कन्फर्म चटका सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कुछ इस प्रकार की टीम बन के रेडी हो रही है। अगर यहाँ से ये होता है कि मतलब जिम्बाब्वे की टीम पहले बॉलिंग करेगी तो हो सकता है मैं किसी प्लेयर को ड्रॉप करके नयुंजी को अपने टीम में ट्राई कर लूं, बिकॉज नयुंजी डेथ में भी बॉलिंग करने आएंगे। तो फिलहाल के लिए तो यही टीम बनकर रेडी हो रही है, फाइनल टीम मैंने गाइस फाइनल टीम टॉस के बाद टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो आप यहां से कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं तो सिकंदर रजा कैप्टनसी के लिए सबसे बेहतर खिलाड़ी है, बाकी वाइस कैप्टनसी के तौर पर यहां से तमीम इकबाल के साथ मैं जा रहा हूं। आप ये कर सकते हो, अगर देखो मुस्तफिजुर रहमान खेलते हैं और बांग्लादेश की टीम फर्स्ट बॉलिंग करती है तो आप इनको भी वाइस कैप्टनसी ट्राई मतलब दे सकते हो, 3 से 4 wicket ये गुच्छे में कभी भी निकाल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो यही टीम बन के रेडी हो रही गाइस, बाकी आप लोग को इसमें कुछ भी चेंजेस लगता है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। और फाइनल टीम मैंने दोस्तों फाइनल टीम टॉस के बाद मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो टेलीग्राम से होप आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो गए होगे। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चल जाना, लिंक मिलेगा, लिंक के थ्रू आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। बाय द वे किसी रीजन से लिंक वर्क नहीं करता है तो क्रिक 2580 लिखकर आप लोग सर्च कर लेना, आप लोगों को मेरा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे देखो भाई 101 सब्सक्राइबर भी यहाँ पे बढ़ गया, अब आपके आते आते क्या मालूम बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो देखा जाएगा। बाकी आना तो पिंड मैसेज चेक कर लेना, 6 जून का मैसेज होगा तो सही है। बाकी टॉस के बाद फाइनल अपडेटेड टीम यहीं पर मैं पोस्ट कर देता हूँ, और स्टार्टिंग में भी बताया कि आप लोग सब्सक्राइबर देखकर प्लीज़ मुझे जज मत करना, बिकॉज मंडी में जब बिग बैस लीग चल रहा था तो सिर्फ ड्रीम इलेवन वालों का नाम लेने की वजह से स्ट्राइक आई थी चैनल पे, जिसमें कि टेलीग्राम यूट्यूब दोनों को डिलीट कर दिया गया था। 1 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर थे गाइस, बहुत ही मेहनत से बनाया गया था, बट कोई नहीं, आप लोग प्लीज सपोर्ट करना, हम लोग फिर से वो कर लेंगे। तो होप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग लाइक सॉरी वीडियो को लाइक कर ही दिए होगे, चैनल को सब्सक्राइब ऑलरेडी कर ही लिए होगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।